दिवालिया ऑस्ट्रेलिया, खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने वाला कनाडा, दुनिया भर में अवैध कब्जे करने वाला ब्रिटेन, अवैध कब्जे को समर्थन, फिर युद्ध कराकर अपना हथियार बेचने वाला अमेरिका, सब मिलकर गुंडेगिरी का साथ दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सीरियाई गोलान के प्रस्ताव पर भारत, चीन और रूस इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। तीनों देशों ने सीरियाई गोलान पर घुसखोर इजराइल के कब्जे को नाजायज बताया। इजराइल के पीछे नहीं हटने को लेकर भारत ने चिंता जताई। यूएन में इसको लेकर मिस्र ने एक प्रस्ताव पेश किया। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। बता दें कि इजरायली सुरक्षा बलों ने 1967 में सीरियाई गोलान पर कब्जा कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मिस्र ने पेश किए इस प्रस्ताव के पक्ष में 91 वोट पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 8। भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, चीन, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया के समर्थन में वोटिंग की। वहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ यानी इजराइल के समर्थन में वोट किए। बता दें कि सीरियाई गोलान 1967 से इजराइल के कब्जे में है, तब से वह वहां से पीछे नहीं हटा है। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, दिवालिया ऑस्ट्रेलिया, खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने वाला कनाडा, दुनिया भर में अवैध कब्जे करने वाला ब्रिटेन, अवैध कब्जे को समर्थन, फिर युद्ध कराकर अपना हथियार बेचने वाला अमेरिका, सब मिलकर गुंडेगिरी का साथ दे रहे हैं। फिलिस्तीन में जबरन कब्जे को भी इन्हीं का समर्थन रहा है। सदियों पुराना इतिहास रहा है। भारत हमेशा इंसाफ के लिए खड़ा रहा है, इसीलिए हमें भारत पर गर्व है और भारतीय होने पर उससे भी ज्यादा गर्व है। परसों पैदा होने वाले भक्त चाहे गठार में खड़े हो जाएं या कूड़े के ढेर पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं SD24।